सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे स्मार्टफोन जिन्हें आप फ्लिपकार्ट की सेल में ले सकते हो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के साथ। जी दोस्तों, फ्लिपकार्ट की सेल थी बिग बिलियन डे, वो खत्म हो चुकी है, लेकिन दोस्तों फ्लिपकार्ट पर एक और सेल चालू हो चुकी है जिसका नाम है दशहरा स्पेशल। इस सेल के अंदर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे डिस्काउंट देखने को मिलेंगे स्मार्टफोन के ऊपर। दोस्तों, अगर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का कार्ड है, कोटक महिंद्रा बैंक में आपका अकाउंट है, तो आपको इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा किसी भी स्मार्टफोन के ऊपर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्मार्टफोन बताऊँगा दोस्तों आप इस सेल से ले सकते हो काफ़ी अच्छे ऑफर में, जो दोस्तों काफ़ी वैल्यू फॉर मनी फोन है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको कुछ स्मार्टफोन के बारे में बताता हूँ जिन्हें आप इस महीने ले सकते हो फ्लिपकार्ट की दशहरा स्पेशल सेल के अंदर। दोस्तों, फ्लिपकार्ट की सेल थी बिग बिलियन डे, उसमें हमें SBI कार्ड के ऊपर डिस्काउंट देखने को मिल रहा था, लेकिन दोस्तों ये जो सेल है दशहरा स्पेशल, इसके अंदर आपको कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। आप जो भी स्मार्टफोन खरीदोगे आपको उसके ऊपर अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस सेल में सबसे पहले फ़ोन की बात करें तो वो आता है दोस्तों सैमसंग का गैलेक्सी F41। दोस्तों, ये फ़ोन आपको इस सेल के अंदर 15,500 रुपये का देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का डेबिट कार्ड है तो आपको इसके ऊपर 1500 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये फ़ोन आपको 13,000 रुपये का पड़ सकता है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है। दोस्तों, दूसरा फोन आता है पोको की तरफ से पोको M2। दोस्तों, इसका 6GB 64GB वाला वेरियंट है, आपको इसमें 10,500 रुपये का देखने को मिल जाएगा। और अगर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड है तो अगेन आपको 1,000 रुपये ठंड देखने को और मिल जाएगा। तो इस तरीके दोस्तों ये फोन आपको 9,500 रुपये का पड़ सकता है, जो दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है। अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें 6GB रैम हो और काफ़ी बड़ी डिस्प्ले हो, पोको का ब्रांड हो, तो आप इस फोन को ले सकते हो। अब दोस्तों चलते हैं तीसरे फोन की तरफ, जो आता है रियलमी तरफ से। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ Realme 7 की, जो कि दोस्तों आपको 15,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा इस सेल के अंदर। अगर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का कार्ड है तो ये फ़ोन आपको 13,500 रुपये का पड़ सकता है, जो कि दोस्तों 13,500 रुपये में काफ़ी अच्छा फ़ोन है रियलमी का। दोस्तों, इस फ़ोन में आपको एक बड़ी डिस्प्ले दी गई है और इसका जो प्रोसेसर है दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, इसमें आपको बैटरी बड़ी मिलती है। और दोस्तों इसमें जो कैमरा दिए गए हैं वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छा कैमरा दिया गया है 64 मेगापिक्सल का। अब दोस्तों बात करता हूँ मैं अगले फ़ोन की, जो आता है फिर से पोको की तरफ से, जो दोस्तों पोको M2 Pro। दोस्तों, इसका 4GB 64GB वेरियंट आपको 14,000 रुपये का देखने मिल जाएगा इस सेल के अंदर, लेकिन अगर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का कार्ड है, अगर आप इसे कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड से खरीदते हो तो दोस्तों इसके ऊपर आपको 1400 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये फ़ोन आपको 13,000 रुपये से कम कीमत पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो पोको का हो, जिसमें दोस्तों आपको अच्छे कैमरा दिए गए हों, अच्छी डिस्प्ले हो और दोस्तों अच्छी डिज़ाइन हो, तो आप इस फोन को ले सकते हो बिना किसी टेंशन के। दोस्तों, अगले फ़ोन की बात करें तो ये आता है पोको की तरफ से पोको X2। दोस्तों, इसका 6GB और 64GB वाला वेरियंट आपको 1650 रुपये देखने को मिल जाएगा इस सेल के अंदर, लेकिन अगर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का कार्ड है तो ये फ़ोन आपको 15,000 रुपये का देखने को पड़ सकता है। दोस्तों, 15,000 रुपये में काफ़ी अच्छा फ़ोन है, इसमें दोस्तों आपको सेल्फी कैमरा दिया गया डुअल सेल्फी कैमरा, और इसका जो रियल कैमरा है दोस्तों काफ़ी अच्छा है। रियल कैमरे की दोस्तों जो डिज़ाइन है वो एकदम बीच में दी गई है, जिसमें दोस्तों आपको 3D इफेक्ट देखने को मिलता है, और दोस्तों इसमें ग्लास बोर्ड दी गई है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा फ़ोन चाहिए जो काफ़ी बड़ा हो, जिसमें आपको अच्छी बॉडी दी गई हो, अच्छी डिस्प्ले दी गई हो और जो कैमरा दोस्तों वो काफ़ी अच्छी दी गई है, तो आप इस फ़ोन को 15,000 रुपये में कह सकते हो। दोस्तों, मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी डील है। तो दोस्तों, ये देखो फ़ोन जो आपको फ्लिपकार्ट की दशहरा स्पेशल सेल में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि फ्लिपकार्ट पर एक और सेल चालू हो चुकी है, जो कि दोस्तों 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक चलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस सेल से ले सकते हो। और दोस्तों, जो फ़ोन मैंने आपको इस सेल में बताए हैं वो दोस्तों काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है इस महीने। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक मैंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं सारी वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।